तो ना मेरा सब सब प्यार प्यार मोहब्बत सब निकल जाता है उस टाइम पे, मैं भूल जाती हूँ. बट इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू. एंड नेक्स्ट, निहारिका का रायजादा इज ऑलवेज इन लव. और प्यार तो रोज होना चाहिए, चाहे वो अगले दिन ना रहे लेकिन रोज होना चाहिए प्यार. मैं जिससे प्यार करूंगी केवल उन्हीं से ही प्यार करूंगी, और मैं चाहूंगी कि वो भी केवल मुझसे ही प्यार करे. लेकिन आबादी इतनी है, इतने शौक है लोगों के. सच क्यों आंसर. लेकिन आबादी है और शौक भी है लोगों के, तो अभी क्या किस किस को रोकोगे आप. हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं. हेलो, हाय, नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल, आज वेरी ग्लैमरस शो हो गया है, स्पाइस इट अप विद तन्वी. और मेरे साथ है द नन अदर देन बॉलीवुड डीवा, अ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम लक्समबर्ग. हाय निहारिका. हाय तन्वी. वाओ, व्हाट एन इंट्रो. कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. हमने सुना है कि जो दादाजी हैं वो उपी नायर हैं. हाँ जी है. और उनके हम सब दीवाने हैं यहाँ पर स्टूडियो में, तो हम तो अगर गाएंगे तो ये रो देंगे यहाँ पर, इनके आंसू आ जाएंगे, मेरे सबसे पहले आंसू आ जाएंगे. तो क्या आप उनके कुछ लव्स अगर हमारे लिए नहीं खुद के लिए ही गा दीजिए. आपके लिए ही गा दीजिए. आई मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के ले लो जितने भी शौक आज पूरे करने कर लो. निहारिका ये जो कर सकते सब निकाल लो इससे. मैंने सुना है कि आप अपने डायलॉग्स भी पहले गाते हो और फिर बोलते हो. हाँ, कभी कभार मैंने डायरेक्टर्स को बहुत परेशान किया जैसे है. कैसे करते हो आप? नहीं, पर जैसे कोई भी डायलॉग हो, जैसे सूर्यवंशी में तो खैर हमने आवाज़ें ही आवाज़ें निकाली हैं जो बहुत मशहूर हुई थी. बहुत मशहूर हुआ था, वहाँ पे कुछ गाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. लेकिन जैसे इफ यू आर सेइंग आप कैसे हो आज, तो आप कैसे हो आज, लाइक दैट कम्स आउट मच मोर नाइसर, यू नो इट, एंड देन यू कैन से द डायलॉग. तो ये आपको हेल्प करता है मेमोराइज करने में कि आपका रिदम के लिए, यू गेट इट, रिदम के लिए भी और मेमोराइजेशन के लिए भी, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर है. मेरी भी बहुत कमजोर, तो मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, और इसमें मुझे याद रह जाती है गाते वक्त सब याद हो जाता है. सब याद हो जाता है. मतलब मैं बचपन में ऐसे करती थी कि मैं गाने गा लेती थी बिकॉज मैं इतने बार सुनती थी, बट मैं उसका मतलब ही नहीं जानती थी, मैं सिर्फ बोलती रहती थी. तो were you that kid कि you used to like understand all the lyric और फिर आप गाते थे? मेरे जो ओपिनियर हैं उनको रिदम किंग कहा गया है, और रिदम मेरे अंदर भी है, और हमारे फैमिली में रिदम का ज़्यादा वो है. तो लिरिक्स पे ना हम लोग ज़्यादा जोर नहीं डालते थे. अब जाके हम लोग लिरिक्स सुनते हैं और म्यूज़िक फिर हम लोग नहीं ज़्यादा सुनते. पहले हम लोग म्यूज़िक ज़्यादा सुनते थे, रिदम ज़्यादा सुनते थे, उसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो ज़्यादा सुनते थे. मेरे फैमिली में ज़्यादा फोकस वहीं पे था. अब जाके लिरिक्स पे कुछ कुछ लोगों का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पोएट्री बहुत सुंदर फिर गाई जाती है. तो एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक बिकॉज जो मतलब है गाने का इट कम्स फ्रॉम द वर्ड्स, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड्स. तो आपके घर में ऐसा था कि जैसे आप तो डॉक्टर हैं खैर, तो पहले से आप पैदा होते से चलो म्यूजिक क्लास कर, मतलब बाय डिफॉल्ट ये था कि यू सॉर्ट ऑफ फिगर्ड म्यूजिक वेरी लेटर इन योर लाइफ? नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ जब मैं मेरी माँ के कोख में थी तो मम्मी ने बहुत सारे गाने बजाए, बहुत सारे संतरे खाए, बहुत सारे गाने बजाए. ये वो मुझे कहती है कि और ओपिनियर के ही सबसे ज़्यादा गाने बजाए. तो जब मैं पैदा हुई और जब मैं 5-6 साल की हो गई तो मुझे ना एक नेचुरल रिदम था मेरे ब्रेन के अंदर. और वो होता है, आप जो बच्चे को आप जो आप हमेशा उसके सामने रखोगे या उसको सुनाते रहोगे तो फिर वो बच्चा अपने आप ही उस चीज़ से प्रभावित हो जाता है. दैट्स अ फैक्ट आई थिंक. अगर आपको आपके बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहिए तो आपको रोज़ उसके सामने ना लेगो और खूब सारे बिल्डिंग्स के फोटोज ये सब लगाने चाहिए. या फिर अगर एक्टर बनाना है तो खूब सारे एक्ट्रेसेस की फोटोज आपको सामने लगानी चाहिए कि देखते रहो देखते रहो. यही बनना है तुम्हें, यही बनना है, यही तुम्हारा लक्ष्य है. तो ऐसा बच्चे को जितना भी आप मोल्ड करोगे वो ऐसे बन सकता है. हाँ,
तो म्यूज़िक हमारे घर में हमेशा से शुरू से ही हमें दिखाया गया, हमें सुनाया गया, बहुत सारा म्यूज़िक हम लोगों के परवरिश में था। कीड़ा कब से आया आपके मन में? मुझे शायद एक्टिंग का कीड़ा नहीं था, मुझे बस मैं देखती थी ये पुराने ज़माने के ना ब्लैक एंड वाइट वीडियोज़ आते थे जो हमारे घर में बजते थे, तो मैं देखती थी ये मधुबाला और माला सिन्हा वहीदा रहमान को डांस करते हुए, वो डांस मुझे और हेलन मुझे डांस बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगता था यार ये कितनी सुंदर है ये कितना अच्छा डांस कर रही है। तो एक्टिंग का तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन हाँ डांसिंग और सिंगिंग क्वीन बनूंगी ऐसा मेरे मन में था कि मुझे डांसिंग और सिंगिंग में एक ऐसी टॉप लेवल पे पहुंचना है कि फिर वो एक्टिंग के ही उसमें चला गया। हाँ बट अगर मैं कैमरा को बोलूँ ये देखो लगती फुल मनीषा कोराला है, लिटरली बिट ऑफ मनीषा कोराला झलकता है विद डिंपल्स। मैं छोटी होती थी 15-16 साल की तो उसकी खामोशी आई थी एक तो सब मुझे बोलते थे छोटी मनीषा लक्समबर्ग में सब मुझे मनीषा बुलाते थे सच्ची। और बाद में जाके मैं बहुत सारे लोगों से मिली जो मनीषा को बहुत करीब से जानते थे तो वो भी मुझे ऐसे देखते थे बोलते थे हाँ तो हम हमारे फिल्म की बात करेंगे जी। आप अकेली लड़की हैं उस फिल्म में जी, कैसा लगता है? इतने कितना पावरफुल फील होता होगा आपको सेट पर? काफी पावरफुल फील की मैं उस समय, क्योंकि 30 एजेंट्स थे, 30 एजेंट्स में मैं अकेली लड़की, ऊपर से बाकी सारा स्टाफ टेक्निकल क्रू भी सब आदमी, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील की और डर भी लगा शुरू में क्योंकि हम लोग बहुत दिन रहे साथ में, तो आई वाज लाइक जहाँ देखो अब सिर्फ आदमी मिल रहे, तो हम ढूंढते थे कि कोई अगर एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट मिल जाए। दिव्या बहुत प्यारी थी, शी वाज आवर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हेड एंड उसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया ऑन सेट, और एक और हमारी प्रोड्यूसर है वनेसा, वो भी बहुत प्यारी थी, उसके साथ भी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यू डू लुक फॉर अ लिटिल फीमेल कंपेनियनशिप, यू डू लुक, यू नो आई मीन इट्स लवली, आई लव मेन, आई एब्सोल्युटली अडोर मेन, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप थक भी जाते हो एंड यू वांट योर गर्लफ्रेंड्स, यू रियली वांट देम, तो व्हेन यू आर इन कश्मीर एंड यू आर लुकिंग फॉर सम फीमेल कंपेनियनशिप तो दे वर माय सहारा। सो नाइस, सो एनीथिंग लाइक यू पिक्ड अप कि यार लड़के हैं, ये लड़कों का अलग ही वे ऑफ लिविंग होता है, बहुत अलग वे ऑफ लिविंग है, तो एनीथिंग दैट यू पिक्ड अप फ्रॉम एनी ऑफ योर कोएक्टर्स, एकदम इंटरेस्टिंग कोई चीज होगी, एनीथिंग दैट यू रिमेंबर नाउ या आपको किसी को इमिटेट करना है? नहीं इमिटेट तो मैं आई एम नॉट गुड एट इमिटेशन, लेकिन विद्युत और जो मेरे दूसरे वाले कैप्टन थे उनका नाम है विजय आनंद, वो एक फिल्म में आए थे बहुत पुराने, प्यार तो होना ही था काजोल के साथ और अजय देवगन के साथ, हाँ प्यार तो होना ही था फिल्म में, हाँ हाँ तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, तो उनकी ना हमेशा वो रहती थी कि विजय आनंद कभी कोई नीला पानी हरा पानी पीला पानी लेके आ रहे हैं, अलग अलग हर्ब्स अलग अलग एल्गी दिखा रहे हैं हमें कि ये सेहत के लिए अच्छा है, विद्युत अपना खुद अलग बता रहा है कि ये फिटनेस चीज़, तो वो लोग काफ़ी फिटनेस में थे, मतलब हेल्थ कॉन्शियस थे बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा, और वो सब बातें करते थे अबाउट दिस कि ये वाला पानी पियो ये वाला खाना ये हरा पीला पानी का क्या स्कीम वो है? एल्गी आती है अलग अलग किस्म की, तो वो लोग लेके आते थे सेट पे, मुझे तो ना उसने नीली चाय पीली चाय हरी चाय सब पिलाई, टेस्टी होती है कि नहीं, मैंने तो इसलिए पी क्योंकि आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो मैं जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बारी में क्या पता चलता है, लेकिन मुझे बहुत जानकारी मिली ऑन सेट पूरा टाइम, सारे आदमी सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करें, क्या बात है, और बहुत अच्छे थे वो, दे वर वेरी शिवलरस, ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज द ओनली गर्ल, बहुत ध्यान से मुझसे बात करते थे यार कुछ गलत ना बोल दे, दे वर वेरी शिवलरस एंड बहुत जेंटलमैनी बिहेवियर था सबका, तो आई एंजॉयड, आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम विद्युत एंड आनंद सर ये कौन सा हरा नीला पानी आप पी रहे हैं, जरा यहाँ पर भी दीजिए, हमें भी सेहत बनानी है, हमें भी अच्छा दिखना है। इसी के साथ वी विल कट फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर। Hi, welcome back. After going nowhere, we are still here. हम बात करेंगे प्यार मोहब्बत के बारे में, और मैंने ऊपर आपसे जाना है, मैंने इनसे पूछा था आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन दोज लाइंस, और ये बोले मैं सिर्फ प्यार की रानी, हाँ क्योंकि इसने मुझसे पूछा तो झांसी की रानी है क्या, हाँ. तो मैंने कहा मैं झांसी की रानी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्यार की रानी हूँ मुझे बता. प्यार देना आता है, मुझे तलवार से खेलना नहीं आता आप दिख ही रहे हो, आप यू आर लाइक अ मशबॉल ऑफ जस्ट लाइक क्यूटनेस एंड लाइक लव। मैं बहुत छोटी थी ना, तो ये डिम्पल्स जो है ना एक बहुत खतरनाक चीज़ है, हम लोग एक बार न्यूयॉर्क गए, वहाँ पे आप
आपको पता नहीं याद है, कॉन्कॉर्ड आता था एक छोटा सा प्लेन, तो उसका म्यूजियम था, आखिरी कॉन्कॉर्ड्स उड़ रहे थे उस समय, तो मैं सबके पास गई, सबसे प्यार किया, सबको किस दिया, मैं पूरे उस अरीना में, मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, कर क्या रही है। और जब और थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे डॉगीज बहुत पसंद थी, तो मैं लोगों के घर जाती थी जहाँ जहाँ कुत्ते होते थे वहाँ और किसी और के घर नहीं जाती थी, दे डिड नॉट कम इन माय रिक्वायरमेंट्स। तो एक बार गायब हो गई तो पापा मम्मी सारे कुत्ते वाले घर को चेक करे कि ये लड़की कहाँ चली गई है। Oh my, बहुत किस्से हैं। I truly believe कि जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, हाँ, they are nice people. I know, जो बिल्ली से प्यार करते हैं वो कैसे होता है? मेरा थोड़ा doubt है। हाँ, मेरा भी doubt है। I doubt them. इसलिए मैं ना दूर रहती हूँ। मैं जिनको बिल्लियाँ पसंद हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मतलब ये कुछ तो है। मुझे ये है। है ना? मेरा भी। अच्छा, मैं किसी को पसंद करूँ, चलो, ठीक है? और वो मुझे उस समय बोल दे, I like cats. तो ना मेरा सब प्यार मोहब्बत सब निकल जाता है, भूल जाता है, भूल जाती हूँ। इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू एंड नेक्स्ट नो लाइक ये कितना जजमेंटल है, लेकिन है कितना जजमेंटल। एंड आई मतलब मैं एक लड़की को डेट कर दी थी एंड ही वाज अ वेरी कैट पर्सन, वेरी वेरी, और वो मुझे इंस्टाग्राम पर कैट के वीडियोस भेजता था। मैं बोला था कि लिसन, नहीं हो पाएगा, या नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा है, तो हमसे ना हो पाएगा बिल्ली वाला बिल्कुल। और वो बोलता था तू मुझे डॉग्स के वीडियो भेजेगी, आई शुड लाइक अपलोड देम, सेंड यू ऑल द क्यूट इमोजीज, बट यू कांट एक्सपेक्ट दैट, लाइक यू कांट डू द सेम। आई सेड लाइक उनकी तरफ से भी सही है, अब वो लोग कुत्ते वाले लोग ना पसंद करें, हमें क्या पता। एनीवे, इफ यू आर अ डॉग लवर, वी लाइक यू मोर। यस, आई लव डॉग लवर्स एंड आई लाइक डॉग्स टू, all kinds. Nice. So like, what's up with your love life? What's happening? Are you in love? Do you love? What's happening? Niharika Raizada is always in love. Continuously love. ये मैंने बहुत पहले भी बोला था एक इंटरव्यू में कि ऐसा एक दिन नहीं जाता जहाँ I don't fall in love. If I'm not in a relationship, I make sure by the end of the day somehow I'm in a relationship. आप मेरी soul sister हैं मैम. But I think you should have a relationship. है ना? I think in a relationship you're always happy. हमेशा सब कुछ अच्छा रहता है. Obviously कुछ negative relationships भी होते हैं, लेकिन मैं इंसानी ऐसी हूँ जो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, तो रिलेशनशिप होने चाहिए और प्यार तो रोज होना चाहिए, चाहे वो अगले दिन ना रहे लेकिन रोज होना चाहिए प्यार, मोहब्बत और प्यार दिन के एक वो रूटीन में आना चाहिए। जैसे आप उठते हो, जैसे आप ब्रश करते हो, जैसे आप कॉफी पीते हो, वैसे आपको प्यार भी करना चाहिए। आई लव दिस, आई लाइक दिस, आई एम दिस। तो ये होना चाहिए। सो लाइक अगर आप किसी लड़के को चूज करते हो तो ऐसे क्या चीजें देखते हो? आई अंडरस्टूड वन इज अ डॉग लवर, ही हैज टू बी अ डॉग लवर, अदर क्या क्राइटेरिया? मैं सिगरेट, धूम्रपान और अल्कोहल के खिलाफ हूँ, तो मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा अगर वो नहीं करे, और आजकल की दुनिया में तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश किया है ऐसे लोगों को डेट करना जो लोग नहीं करते। और क्या है, मुझे हाइट का, ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स, हाँ एस्थेटिक्स लंबी है, क्योंकि मेरे घर में ना दादा दादी दादी नहीं लेकिन दादा नाना सब 6'3" से ऊपर है, तो शायद पहले से ही मुझे एक था कि आई वॉन्ट समवन टॉल, तो ये भी है। बाकी I always used to say कि मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए जो गा सकता हो, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। बहुत नीश में चले गए हो आप। हाँ, बहुत ही ज़्यादा नीश है वो। डॉक्टर भी चाहिए, अच्छे गाने वाला भी चाहिए। तो मैं अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में और अपने मेडिकल फ्रिटर्निटी में ढूंढती रहती हूँ हमेशा कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट अगर शायद कोई गाने वाला मिल जाए तो हमारी बात हो जाए इस एपिसोड के बाद। अगर कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट है, जो आई मेहरबा गा सकता है, तो प्लीज मुझे अपने क्लिप्स भेज दे। ये जांच करेंगी, परख करेंगी, और अपने कुत्तों की फोटो जरूर भेजिएगा। बिल्कुल, आपका प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइक व्हाट टर्न्स यू ऑन इन अ मैन? लाइक फॉर मी इट्स द स्मेल, लाइक आई लव अ गुड स्मेलिंग मैन एंड अ गुड लुक, लाइक अ गुड प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ऐसा झल्ला भल्ला आ गया तो आई एम लाइक ये क्या चल रहा है। सो आई लाइक दैट टर्न्स मी ऑन। व्हाट टर्न्स यू ऑन? जो चीजें मुझे नहीं आती बहुत अच्छे से, तो मैं ना बहुत अच्छी फैशन स्टाइलिस्ट नहीं हूँ, अपने खुद को ड्रेस करना नहीं आता मुझे, तो आई लाइक समवन हु कैन टीच मी, सो इफ द पर्सन नोस हाउ टू ड्रेस वेल, then I like that. It's a turn on for me. मुझे हिंदी, because you're a learner ना, I want to learn. मुझे ना English, French, German, Spanish पढ़ना बहुत अच्छा आता है, लेकिन हिंदी देवनागरी पढ़ना नहीं आता है इतना अच्छा, तो I want someone जो मुझे poetry और साहिल लुधियानवी के सारे poetry मुझे
पढ़ा सके. हाँ, तो आई वुड लाइक, दैट्स अ बिग टर्न ऑन फॉर मी. एक एक इंसान जो आई माइट हैव समवन फॉर यू, जो रियली जो साहित्य में बहुत अच्छा हो. इफ यू कुड डेट एन एक्टर इन दिस टाइम, लाइक अगर आप किसी को चूज करते तो कौन होता? वो छोटा है मुझसे अभी, लेकिन आई लाइक हिम, ही इज नाइस. बाबिल बहुत अच्छा है, इरफान खान का बेटा. I like him. He's got a nice style. He's very sweet and his mother has brought him up A1. Like, बहुत बहुत अच्छा लड़का है. बाबिल बहुत प्यारा है. फिर मुझे ईशान बहुत पसंद आता है. सब छोटे हैं अभी. सब छोटे. लेकिन मेरे हम रणदीप हुडा और विद्युत जम्वाल दोनों मुझे बहुत पसंद है. लाइक यू वर वर्किंग विद हिम, मैंने पटाने की कोशिश नहीं, वो किसी रिलेशनशिप में है. व्हाट इज दिस विद्युत? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं. गुड 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 रिलेशनशिप. लेकिन हाँ, वो मैंने इन दोनों के साथ काम भी करना है. बट आई डू फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव. रणदीप हुडा इज वेल वेरी अट्रैक्टिव. मुझे हरियाणवी बहुत पसंद है. हाँ. उससे ज्यादा देसी शायद इस देश में है. कोई नहीं. उससे देसी और कोई नहीं मिलेगा आपको. सो आई लाइक हिम. या दे हैव अ वेरी रोग वाला लुक होता है और वो ऐसे चौड़ में रहते हैं. या इट इज अट्रैक्टिव. हाँ, इट इज अट्रैक्टिव. देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैस्कुलिनिटी. विद्युत तो खैर बहुत ही जेंटल स्वीट स्वीट चाइल्ड लगता है मुझे. लेकिन उसका भी मिश्रण बहुत अच्छा है. ही इज लाइक गॉट केरला वाइब्स, कश्मीर वाइब्स, लखनऊ वाइब्स. He's and Delhi vibes. So he's like a full mishran. Randeep Hooda is Haryanvi to the to core. The yeah. And yeah, that's a turn on. Randeep Hooda, sir, we have a very beautiful lady here. वो भी शायद एक रिलेशनशिप है. अरे यार, तोड़ने वालों में से नहीं है. हम जोड़ने वालों में से है. तो ऐसे नहीं करते. ऐसा नहीं करें. ऐसे नहीं करते. I didn't know if it was a relationship, but if it was. लेकिन हाँ, by chance. कहीं से भी कुछ भी कट होता है. तो हाय. What do you think? देखो, बहुत ही अलग चल रही है. तो प्यार की दुनिया भी अलग ही उनका चल रहा है. न्यू रिलेशनशिप्स आर वेरी डिफरेंट. देर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सिचुएशनशिप्स. हैव यू हर्ड ऑफ इट? नो, बट आई कैन अंडरस्टैंड. या सिचुएशनशिप्स हैं. देन ओपन मैरिजेस तो खैर कब से कॉन्सेप्ट है, बट इट्स बिकम वेरी ओके. ओपन मैरिजेस इज ऑल्सो ओके. सो लाइक, वॉट इज योर थॉट ऑन लाइक सिचुएशनशिप्स एंड ऑल्सो ओपन मैरिजेस इन जनरल? मुझे ओपन मैरिज से डर लगता है. फिर मैं सोचती हूँ कि हमारे महाराजाओं के पास कम से कम 20-20 रानियाँ थी, तो वो कैसे संभालते थे. और वो भी चलता था एक दौर. तो मैं सोचती हूँ वो दौर उस जमाने के लिए एडवांस था या पुराने जमाने का था. मैं आज भी यही सोचती हूँ, क्योंकि अगर आज वो हो जाए तो वो कैसा होगा. मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ. मैं दुविधा में हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ. पर्सनली स्पीकिंग, मैं एक लॉयलिस्ट हूँ. मैं जिससे प्यार करूँगी केवल उन्हीं से ही प्यार करूँगी, और मैं चाहूँगी कि वो भी केवल मुझसे ही प्यार करें. मैं चाहूँगी. लेकिन आबादी इतनी है, इतने शौक है लोगों के. सच क्यों आंसर? लेकिन आबादी है और शौक भी है लोगों के. तो अभी क्या, किस किस को रोकोगे आप? दिस इज द बेस्ट आंसर पीरियड. ओपन मैरिज इज बिकॉज आबादी. नहीं, अभी सबको मौका मिलना चाहिए ना अपना प्यार का इजहार करने का और वो लाइफ जीने का. तो लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि जो जो जब बच्चे पैदा होते हैं और जब आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली बनती है और जब आप उस परिवार में रहते हैं, तो वो जो एक है वो बहुत ही सॉलिड रहना चाहिए. और उसमें ना कभी कोई बाहर वाला नहीं आना चाहिए. जैसे आप और आपके बच्चे हैं, तो मम्मी पापा बच्चे हैं, तो वो सॉलिड होना चाहिए. वहाँ पे किसी और को आपको कभी नहीं भी शामिल नहीं करना चाहिए. वो तो बच्चे का ही माइंड थोड़ा हिल जाएगा. हाँ, लेकिन वो हो रहा है, उससे मुझे प्रॉब्लम है. लेकिन वैसे आप खूब सारे रिलेशनशिप्स रखो और किसी को किसी चीज़ में रोक टोक ना करो, क्योंकि जितना रोक टोकोगे वो और जाके करेंगे. तो खुला रखो. तो आई फील के जिसको वो वाला चाहिए होगा, घर वाला जो सिस्टम है जो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, वो वैसे मुझे मिलेगा. जिनको आज़ाद रहना है और इन्जॉय करना है लाइफ, ज़िंदगी भर बैचलर रहना है, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे इन्जॉय करें. लेकिन फिर बच्चा पैदा ना करें, वो फिर असर पड़ता है उन पर. यू नो, आई फील दिस माई पर्सनल. जो करना है करो, बट बच्चे पैदा मत करो. इफ यू आर लाइक, इफ यू वांट टू लिव अ बैचलर वाला लाइफ, अगर आपको बैचलर लाइफ जीनी है, तो इट्स बेस्ट कि आप बच्चे ना पैदा करो. nice. बच्चे पैदा करोगे तो आपको उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए. ये मेरा मानना है. और ओपन रिलेशनशिप, सॉरी ओपन बोल दिया आपने, सिचुएशनशिप्स. वो बस वैसे ही कंटिन्यू करते हैं उस पाथ पे कि वी विल हुक अप, वी विल डू एवरीथिंग, बट वी विल नॉट बर्डन ईच अदर विद द लेबल. आई
think it's a lot of fun. I think you should enjoy. And क्या पता आपको वो एक रात में या एक दिन में क्या कुछ सीखने को मिल जाए. मैं ना लोगों से सीखना चाहती हूँ जितना सीख सकूँ. तो वो कभी कभार प्यार के जरिए आता है, कभी कभार वो ऐसी दोस्ती में आता है. तो प्यार के जरिए में आता है तो और मजा आता है. लोगों से सीखने में और मजा आता है. तो करो बिंदास प्यार करो. Are you like the friends with benefits वाला person or like a one night thing like one night वाला तो नहीं, क्योंकि मुझसे होगा नहीं, because I'm a loyalist और अगर मैं एक के साथ सच में प्यार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. तो प्यार तक तो बात पहुंचती नहीं, दोस्ती तक तो जरूर पहुंच सकती है, प्यार तक नहीं पहुंचती. मैं बहुत कम प्यार करती हूँ, और जब प्यार करती हूँ तो फिर तो हाँ, फिर तो मैं किसी को ना उसके पास जाने दूँ या मैं बहुत लॉयलिस्ट हूँ और मैं बहुत पजेसिव भी हूँ. मैं अपने पजेसिवनेस को बहुत कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं इस माइंड सेट की हूँ कि लोगों को आज़ादी और खुला रहना चाहिए. लेकिन मेरे अंदर का जो ज्वालामुखी है, तब मैं झांसी की शायद बन जाती हूँ कहीं ना कहीं, मेरे सारे तलवार निकल आते हैं. So what's your pet peeve? Like क्या है इसका? In a relationship, अगर एक इंसान में वो ऐसा कर जाएगा तो पूरा दिमाग ही घूम जाएगा आपका. Well, obviously, अगर सिगरेट पीगा तो मेरे अंदर ऐसे अंदर ज्वालामुखी के मैं क्योंकि मैं जो ना आप समझो, मैं कार्डियोलॉजी की बेबी हूँ और हार्ट की डिजीज सबसे पहले धूम्रपान की वजह से होता है, फिर उसके बाद जेनेटिक्स से, फिर उसके बाद आपके खान पीन से होता है, पहले धूम्रपान से होता है. आज 19, 20, 21, 22, 23 बच्चों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो सब सिगरेट पी रहे हैं. मैं नहीं चाहती कि लोग सिगरेट पिए. उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं हम कुछ. हम बनारस जाते हैं, बनारस में हम कुछ नई सिगरेट बनाते हैं. वो नहीं अफेक्ट करेगी हार्ट को. चलो चलते हैं हम लोग. वो करते हैं. सो सिगरेट आर योर लाइक पेट पीव फॉर श्योर? आई कांट. मैं बहुत मुश्किल से लोगों के चेहरे देख पाती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता. छोटे होती थी तो मैं लोगों को बोलती थी, ए सिगरेट की पर है बुझा. अब नहीं बोलती. अब मैं काम हो गई हूँ थोड़े से, लेकिन I don't like it. Me neither. It's not a great habit. It's a no-no for sure. Hmm. Okay, my last question before we end this round is have you ever experienced a casting couch situation in this industry? And if you have, how did you get out of it? And if you have to give a message to everyone who's struggling to get here. तो सबसे पहले तो मैं यही मैसेज दूंगी कि नेवर गिव इन. आपसे कोई कुछ भी पूछे या कुछ गलत बात कहे तो बार बार उसको नकारो, बार बार ना बोलो, कीप सेइंग नो. और यही सबसे अच्छी बात है. और एक एक्ट्रेस को ना हमेशा ज़्यादा बंद रहना चाहिए, लाइक शी शुड बी क्लोज्ड. वो ओपन हो जाएगी ना तो उसके एक्टिंग करियर के तो वैसे भी बैन बढ़ जाएंगे, ठीक है. और जितना तुम बंद रहोगे उतना तुम ऊपर जा सकती हो. ये मेरी मैसेज, मेरा मैसेज है. बंद मैं समझी नहीं. बंद इन द सेंस कि आप सबके साथ नहीं खुल सकते. कुछ आपके रिश्ते होंगे ज़रूर, लेकिन कास्टिंग काउच जो है वहाँ पे अगर सब ट्राई मारे तो आप सबके साथ खुल जाओ, ऐसे नहीं कर सकते आप. ये मेरा मैसेज है. तो आप ना बोलो, हमेशा हमेशा ना बोलो. तो पिंक की फिल्म में हम लोगों को सिखाया गया है कि नो मीन्स नो, एंड वो चीज़ लागू भी हो चुकी है मीटू में. तो अब नो मीन्स नो. लेकिन कास्टिंग काउच है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है. और लोग बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, और बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि उसके बिना काम नहीं होगा. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि काम हो सकता है उसके बिना. बहुत टाइम लगता है आपको उसी मुकाम पर पहुँचने के लिए, लेकिन आप कर सकते हो. लेकिन आपके अंदर वो धीरज होना चाहिए. वो रुक के आपको मुकाम हासिल होगा. तुरंत सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन तुरंत सक्सेस का क्या मजा, फायदा. इट्स बेटर कि आप ना करते हुए such a nice answer. No wonder you are in, you are also in pageant na, Miss India. I was. हम सीखे हुए लोग हैं. हमें सिखाया जाता है, हमें सिखाया गया है सब कैसे ताज हासिल करना चाहिए. Exactly. With that we end this round. Don't go anywhere because we will be back with some spicy questions. And we are back for some very very fun rapid spicy questions. Before we go to the spice, if you were a pizza topping, which topping would you be? I would be oregano. Why oregano? I don't know. I feel I like oregano. Oregano makes everything better. Yeah, it makes everything taste better. Yeah, pizza is nothing without oregano. Yeah, oregano. Good. Okay, if you were made the president of India like tomorrow, what was the first thing that you would do?
I get on a train and visit all the states and connect with the tribal communities of the country. Wow. I want to get to know कि उन लोगों का कैसा चल रहा है. कैसा चल रहा है भाइयों बहनों. हम लोगों का तो पता ही है. हम बॉलीवुड लोगों का और हम मुंबई वालों का. But you know what? Like have you watched this documentary? राजस्थान में राजस्थान की आई शेयर द लिंक विथ यू. उनमें दे आर सो ओपन एंड दे हैव लाइक द बेस्ट वैल्यू सिस्टम एंड द बेस्ट एवरीथिंग. वही तो देखने जाना है कि वो लोग कैसे अपना चला रहे हैं. जबरदस्त चला रहे हैं मैम वो. लेकिन ओके वुड यू रादर हैव ऑल कंट्रीज फॉलो वन गवर्नमेंट मतलब एक ही गवर्नमेंट और वुड यू वॉन्ट जो अभी चल रहा है कि हर कंट्री का अलग गवर्नमेंट. नहीं हर कंट्री का अलग गवर्नमेंट होना चाहिए. ओके क्यों? क्योंकि आपको जब आप जब तक किसी को ऑटोनोमी नहीं देते कोई चीज़ चलाने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए तब तक आपको पता नहीं चलता कि इंसानों में कितने गुण हैं. आप अगर एक ही इंसान से वो अपेक्षा रखते हैं कि सब कुछ वो ही करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि जितना उसका है जितना पोटेंशियल वही आप पे लागू होगा. लेकिन अगर आप उसको बांटेंगे और लोगों को शामिल करेंगे जैसे जैसे होता है इन अ फर्टाइल सिस्टम तो आप लोगों को और वैरायटी मिलेगी. और मुझे वैरायटी से बहुत इश्क है. आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ एक डिक्टेटर को या एक ही इंसान को फॉलो करूँ. मैं चाहती हूँ मैं कम से कम 10 आइडल्स रखूँ और 10 से सीखूँ. इट्स लाइक दैट. नाइस. ओके 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज कैरी विद यू. पानी की बॉटल, मेरे ड्राइवर जो मुझे सब जगह लेके जाते हैं वो मेरे मैन फ्राइडे. आई ऑल्सो कैरी एम एवरीवेयर विद मी. मुझे क्या मैं कहती हूँ कि और कोई नहीं जानता मुझे जितना आप जानते हो. और मैं और क्या कैरी करती हूँ? मेरा पर्स. ओके पर्स. ओके वन थिंग दैट मेक्स यू फील वेरी सेक्सी एंड कॉन्फिडेंट. माय परफ्यूम्स. या मैं परफ्यूम मतलब आई एम अ परफ्यूम होर. मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है. आई लव सेंट. एंड व्हिच इज योर फेवरेट सेंट? Dior. अभी ये खोल के आ रही है. हाँ मैं अभी खोल के आई. आई ऐसे बैठी मैम अपने पर्स से मैं सब निकाल रही है. मतलब मैं अभी लाई हूँ ऐसे खोलती है न्यू डियोर का. दिस इज माय फेवरेट. हम लोग अबू धाबी में मिले ना तो मैंने वहीं से मंगवाया. मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ सिंस द मोमेंट यू ओपन्ड इट. या एंड आई तुम्हें भी लेना चाहिए था. और मैंने इतने बार सोचा लेने का. आई वाज लाइक शुड आई जस्ट गेट इट. आई वाज लाइक नहीं छोड़ो इंडिया से ले लूंगी ना. आई एम रियली रिग्रेटिंग इट आफ्टर लाइक यू जस्ट बात ही अलग है. वुड यू रादर बी इन लव एंड बीइंग एंड पुअर और रिच एंड सिंगल? पुअर एंड इन लव. या एनी डे. रियली एनी डे. ओ सच अ क्यूटी. एनी डे. नहीं मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं. इनका अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं और इनको लड़का दे देते हैं. मेरे पापा को ये जवाब पसंद नहीं आएगा लेकिन ना ही मम्मी को आएगा ना ही पूरे खानदान को आएगा लेकिन वो निहारिका है. ओके अगर आप एक एलिवेटर में फंस जाती है. हाँ शायद मैंने आपसे आइलैंड का पूछा था. चलो अब मैं एलिवेटर डाल रही हूँ उसमें तो मेरा जवाब वही रहेगा. फिर क्या है? क्योंकि मैंने उनको आईफोन में पूछा था कि अगर आप एक आइलैंड पर जाती है तो कौन से 3 सेलिब्रिटीज को लेकर जाएंगी. और इन्होंने कहा था माधवन. यस. अजय देवगन. यस. एंड द थर्ड वन वाज नागार्जुना. यस. सो सेम विद द एलिवेटर सिचुएशन. मैं अगर एलिवेटर में फंस जाऊँ तो मैं इन 3 लोगों के साथ ही फंसना चाहूँ. सबको बताइए ना क्यों यही 3 लोग. क्यों? क्योंकि मुझे इनमें सब कुछ दिखता है. एक्टिंग दिखती है मुझे इनमें. बिजनेस स्किल दिखता है मुझे इनमें. खूबसूरती दिखती है मुझे इनमें. सम्राटपना दिखता है मुझे इनमें. मैस्कुलिनिटी दिखती है. ये लोग बहुत गुड लुकिंग है. ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट है. ये तीनों जो है ना मुझे बहुत पसंद है. और तीनों सब जगह कवर भी कर रहे हैं. माधवन तमिल इंडस्ट्री कवर कर रहा है. नागार्जुन तेलुगु इंडस्ट्री कवर कर रहा है. और अजय देवगन ने पूरा बिहार और भोपाल से लेके मुंबई कवर किया हुआ है. अजय देवगन इज द मास्टरमाइंड. एंड यूपी भी कवर किया हुआ है. तो मैंने देश कवर किया हुआ है. मैम इज वेरी वेरी शी इज अ विजनरी हियर. आई एम इंस्पायर्ड बाय देम. या आई लव देम. दोस आर माय फेवरेट 3 एंड वो कभी नहीं बदलने वाला. Sweet. अगर बाई चांस कोई नेक्स्ट जेन आए तो फिर मैं बोलूंगी कि हाँ मुझे रणदीप हुडा पसंद है और विद्युत जामवाल पसंद है और बाबिल और ईशान खट्टर पसंद है. हाँ, और वरुण धवन भी उसमें शामिल करते हैं. वरुण धवन इज वेरी स्वीट एंड क्यूट. हाँ बहुत पावर पैक. हाँ तो एलिवेटर में सिर्फ वरुण धवन और मैं होने चाहिए. फिर हम लोग वो गाना गाएंगे वो लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं देवरा समझ में कुछ आता गाना आ जा. ओके वही वही. Okay, superb. You were fabulous in your entire rapid and fire and spicy round. And because you were so nice and spicy and sweet, everything mishran mein that you are. I think Niharika is just a perfect blend of every spice.
ओह माय ओके है ना मे बी मैं मसाले की डिब्बी हूँ इन योर आप मसाले की डिब्बी हो आप मेरा धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर सब है आप इलायची और क्या होता है नटमेग सब है वो देखो हमारे माइक वाले हम कर रहे हैं उनका वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शो में एंड थैंक यू सो मच कांग्रेचुलेशंस थैंक यू एंड यू गेट अ ब्यूटीफुल हैम्पर आर यू सीरियस एज अ टोकन ऑफ आवर लव आज तक मुझे एक हैम्पर नहीं मिला मैंने सिर्फ करण जौहर के शो पे लोगों को हैम्पर कलेक्ट करते हुए देखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम आपका हैम्पर आज मिलके रहेगा हैम्पर लाया जाए उसमें मसाले होंगे क्या हमारी मसाले की डिब्बी के लिए हमारी क्वीन ऑफ लव के लिए दिस ब्यूटीफुल हैम्पर थैंक यू माय गॉड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं ऐसे डिजर्व करती हूँ वाओ ये लाइफ में पहली बार बाय द वे मैं बोलना चाहूंगी ऑन कैमरा कि मुझे पहली बार हैम्पर मिला है थैंक यू सो मच तन्वी थैंक यू सो मच हम लोग सब करण जौहर के शो में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं लेकिन अब मैं कहना चाहूंगी सब तन्वी के शो पे आओ बहुत अच्छा तो ऑल द बेस्ट आपका शो बहुत ऊपर जाए आप भी बहुत क्यूट हो बहुत मस्ती खोर हो एंड बहुत मजा आया तुमसे बात करके रियली बट ये हैम्पर इज द चेरी ऑन द केक इट इज गॉर्जियस सच में Rapper's Mind for always treating our guests with the beautiful hampers. We really love you and appreciate you. Wow. I'm really, really blessed. Thank you. Thank you. Also, where are you going? Actually, you have to go. Show khatam ho gaya, episode khatam ho gaya. We'll be back next week. Do not forget to like, share and subscribe to all our episodes. And thank you so much for loving us, our community. Remember, we love you. And don't forget to add spice in your life. Little is great. Lots of it will cause your trouble. हिंदी टीवी भाषा लोकल सोच है ग्लोबल टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे